Hello everyone, this is Ayushi. If you are new to my channel, first click on subscribe button. In today's video, I will explain you constitutional and human rights issues in cyberspace. So basically, in this video, I will tell you what we have given our constitution, what we have given our country, what we have given our rights, I will tell you about it. If we talk about human rights in cyberspace, mein, तो हर पर्सन के पास राइट टू एसेस इंटरनेट, राइट टू प्राइवेसी, राइट टू डेटा प्रोटेक्शन, ये तीन राइट्स आपके पास आपको दिए गए हैं. लेकिन बिफोर प्रोसीडिंग टू दैट, हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि कॉन्स्टिट्यूशन में हमें क्या राइट दिया है. सो दिस वीडियो इज ऑल अबाउट कॉन्स्टिट्यूशनल एंड ह्यूमन राइट इश्यूज इन साइबर स्पेस. Human right in cyber space is relatively new and uncharted area of law. UNHRC, United Nations Human Rights Council, has stated that freedom of expression and information under Article 19(2) includes the freedom to receive and communicate information, idea and opinion through the internet. Agar hum human right ki baat kare cyber space mein, to ye ek aisa new aur jo bahut hi proper way mein iska law नहीं आया है. ये है, अगर हम यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट काउंसिल की बात करें तो उन्होंने साफ शब्दों में आर्टिकल 19 में बताया है. हमारे कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 19 हमें पूरी तरह से आज़ादी देता है, फ्रीडम देता है कि हम अपने थॉट्स को और इंफॉर्मेशन को, थॉट्स इंफॉर्मेशन को फ्रीली एक्सप्रेस कर सकते हैं ओवर इंटरनेट. क्या कहता है हमारा आर्टिकल 19 और क्या है एक छोटा सा क्लॉज आर्टिकल 19(3) में. इम्पॉर्टेंट क्लॉज आर्टिकल 19(3) प्रोवाइड्स फॉर द रिस्पेक्ट ऑफ द राइट्स और रेपुटेशन ऑफ अदर, फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ नेशनल सिक्योरिटी और ऑफ पब्लिक ऑर्डर और ऑफ पब्लिक हेल्थ और मॉरल. आपको पूरी की पूरी फ्रीडम है कि आप अपने थॉट्स को, अपने एक्सप्रेशंस को एक्सप्रेस कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू अवर कॉन्स्टिट्यूशन. लेकिन उसमें कभी भी ये चीज़ नहीं होनी चाहिए कि आप किसी की भी रेपुटेशन या किसी के भी राइट्स का हनन कर रहे हैं, आप कुछ भी ऐसा बोल रहे हैं या एक्सप्रेस कर रहे हैं जिससे नेशनल के प्रोटेक्शन पे का दिक्कत आए या फिर कोई पब्लिक ऑर्डर पास हुआ है, आप उसका अपमान नहीं कर सकते. किसी भी हेल्थ और मॉरल वैल्यूज़ को आप ख़राब नहीं कर सकते. आर्टिकल 19 कॉन्स्टिट्यूशन में हमें फ्रीडम देता है स्पीच और एक्सप्रेशन की, और साइबर स्पेस में जो कवर करता है वो है सेक्शन 66A. जब सेक्शन 66A स्टार्टिंग में आया था, हम बात करें 2000 में, आईटी एक्ट 2000 की बात करें, और जब इनिशिएट वे में सेक्शन 66 आया था, तब 66A के साथ ये प्रॉब्लम था कि वो हमारा आर्टिकल 19 जो कॉन्स्टिट्यूशन हमें राइट देता है उसको वो फुलफिल नहीं कर रहा था, और इसी वजह से आईटी एक्ट 2000 में बार बार चेंजेस आते गए. सेक्शन 66A फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन इंक्लूड्स राइट टू इम्पार्ट एंड रिसीव इंफॉर्मेशन विच इंक्लूड्स फ्रीडम टू होल्ड ओपिनियन. सेक्शन 66 के अकॉर्डिंग हमें पूरा राइट है, सेक्शन 66 के अकॉर्डिंग नहीं, आर्टिकल 19 के अकॉर्डिंग हमें पूरी तरीके से अधिकार है कि हम अपनी इंफॉर्मेशन को रिसीव भी कर सकते हैं, हम अपने ओपिनियंस को फ्रीली लोगों से शेयर भी कर सकते हैं. लेकिन अकॉर्डिंग टू सेक्शन 66A ये चीज़ हमारा, ये अधिकार हमसे छीना जा रहा था, या कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं वो अधिकार का हम इस्तेमाल नहीं कर पा रहे थे. हमारे अधिकार को सेक्शन 66A कुछ हद तक हनन कर रहा था. अंडर आर्टिकल 19 ऑफ अवर कॉन्स्टिट्यूशन, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन कैन बी इम्पोज ऑन दिस फंडामेंटल ऑन सेवरल ग्राउंड्स. आर्टिकल 19(2) ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इनेबल लेजिस्लेचर टू इम्पोज सर्टेन रेस्ट्रिक्शन ऑन फ्री स्पीच फॉर इश्यूज. आप जो भी बोलना चाहते हैं, आपको पूरा फ्रीडम है स्पीच का और एक्सप्रेशन का. बस आपको ध्यान में रखना है कि इनमें से जो चीज़ें मैंने यहाँ पे नोट डाउन की है, इसमें से किसी भी चीज़ के बारे में आपको गलत नहीं बोलना है. कोई भी ऐसी, जैसे नंबर वन मैंने बोला है सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट, आपको कोई भी ऐसी बात नहीं बोलना है या उसको स्प्रेड ऑन नहीं करना है जिससे आपके स्टेट की सिक्योरिटी पे कोई भी प्रॉब्लम हो.
फ्रेंडली रिलेशनशिप विथ फॉरेन स्टेट्स खराब हो, किसी भी पब्लिक ऑर्डर की डिसऑनेस्टी हो, डिसेंसी और मॉरलिटी के खिलाफ हो, कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो, कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मतलब है कोई भी या आप कोर्ट में के किसी ऑर्डर का या फिर कोर्ट के किसी मेंबर का अपमान नहीं कर सकते, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं करनी है जिससे किसी की मानहानि हो, डैट इज़ डिफमेशन, इंसाइटमेंट टू एन ऑफेंस। इंसाइटमेंट टू एन ऑफेंस का मतलब ये कि किसी को भी ऐसा कुछ भी नहीं बोलना है या स्पीच करना है या ऐसे थॉट्स को वायरल करना है जिससे एक क्राइम को उकसाया जा सके, मतलब आप खुद क्राइम ना करें, किसी और को का क्राइम करने के लिए उकसा दें, ऐसा नहीं होना चाहिए। और सॉविजिनिटी और इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया हमारी कंट्री की बनी रहे, यही आप इन सब रेस्ट्रिक्शंस के बाद ही आपको अधिकार है कि आप फ्रीली अपने थॉट्स को एक्सप्रेस कर सकते हैं। Contempt of a court, it is simply as contempt is the offense of being disobedient to and disrespectful towards a court of law and its officers in the form of behavior. Incitement, it is the encouragement of another person to commit a crime. Sovereignty and integrity of India. In jurisprudence, as the full right and power of a governing body to govern itself without any interference from outside sources or bodies. हम jurisprudence में बात करें तो sovereignty हमें पूरा ना हमें नहीं जो higher authorities होती हैं उन्हें full right देती है, power देती है कि वो govern करे government को, govern करे और किसी के भी इंटरफेरेंस के बिना उस चीज़ को करे। और ये कैटेगराइज है 3 टाइप्स में, डोमेस्टिक, इंटरडिपेंडेंस एंड इंटरनेशनल। डोमेस्टिक एक्चुअल कंट्रोल ओवर स्टेट एक्सरसाइज बाय एन अथॉरिटी ऑर्गेनाइज विद इन दिस स्टेट। इंटरडिपेंडेंस एक्चुअल कंट्रोल ऑफ मूवमेंट अक्रॉस स्टेट्स बॉर्डर एंड अज्यूमिंग द बॉर्डर एग्जिस्ट। इंटरनेशनल सॉवरेनिटी फॉर्मल रिकग्निशन बाय द सॉवरेन स्टेट्स इन इंटरनेशनल लॉ। Sovereignty means that a government possesses full control over affairs within territorial or geographical area or limit. इन 3 categories में इसे divide किया गया है। अगर हम domestic की बात करें तो domestic में actual control रहता है state पर और इसे control किया जाता है higher authorities के द्वारा जो कि within state रहता है। और जो interdependence होता है उसको आप apart from state बोल सकते हो। और इसके लिए इसमें assume किया गया है कि हमारी जो state की borders भी होती है। International में formal recognition by the other states है। और international law sovereignty का मतलब है government जिसके पास full control हो over affairs within टेरिटोरियल और ज्योग्राफिकल एरिया, और या फिर उनके पास कोई एक लिमिट सेट हो कि आपको पर्टिकुलर एरिया में कंट्रोल करना है कंडीशन को। इस तरह से इन 3 चीज़ों के लिए इसको डिवाइड किया है। सो डेट्स ऑल फॉर टुडे वीडियो। फॉर माय नेक्स्ट वीडियो डोंट फॉरगेट टू क्लिक ऑन सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर बटन। थैंक यू सो मच।